तो आज मैं आपको बताऊंगा WhatsApp पे फिंगरप्रिंट लॉक कैसे ऐड करें। जैसे कि फिंगरप्रिंट लॉक ऐड करने के लिए आपको कोई तीसरा दूसरा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, आप अपने स्मार्टफोन पे, अगर आपका फोन फिंगरप्रिंट वाला है तो आप उसको WhatsApp पे फिंगरप्रिंट ऐड कर सकते हैं। चलिए अच्छा वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको WhatsApp जाना पड़ेगा, ये रहा मेरा WhatsApp, WhatsApp ओपन कर लिया। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे थ्री डॉट दिख रहा है, थ्री डॉट ऊपर आपको सिंपल सा थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, सेटिंग पे जाइए, सेटिंग के बाद अकाउंट देख रहा आपको यहाँ पे अकाउंट्स, आप सिंपल सा अकाउंट पे क्लिक कीजिए, उसके बाद प्राइवेसी पे क्लिक कीजिए और आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा फिंगरप्रिंट लॉक, अभी डिसेबल है, इसको ओपन करूंगा, डिसेबल पे क्लिक किया और आप यहाँ देख रहे हैं अनलॉक विद फिंगरप्रिंट। अब यहाँ पे जब क्लिक करेंगे ना तो आपको फिंगरप्रिंट यहाँ पे मांगेगा, जैसे कि मैं क्लिक कर देता हूँ और फिंगरप्रिंट मांग रहा है, मैं फिंगरप्रिंट दे देता हूँ, जैसे मेरा फिंगरप्रिंट स्कैन कर लिया हो गया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन आएगा, तीन दिख रहा है आपको, तीन का भी डिटेल्स आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे है इमीडिएटली, यानी अगर आप इमीडिएटली पे क्लिक करेंगे तो जब इसको बैक करेंगे, मान लीजिए इसको मिनिमाइज कर दिया और फिर से ओपन करूंगा तो आपको इंस्टेंट वो फिंगरप्रिंट मांगेगा, ये होता है इमीडिएटली और आफ्टर वन मिनट। यानी गाइज अगर आप अभी इसको कर दिया, सेव कर दिया, बैक करेंगे तो एक मिनट बाद ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, फिर से फिंगरप्रिंट मांगेगा। और गाइस फिंगरप्रिंट से ही आपको लॉक ओपन करना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है, आप उसको ओपन भी नहीं कर सकते। और तीसरा 30 मिनट, यानी 30 मिनट बाद ऑटोमेटिक वो लॉक हो जाएगा और वरना वो अनलॉक ही रहेगा। फिलहाल मैं इमीडिएट पे क्लिक करूँगा और बैक जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो सेव हो जाएगा। तो ऐसे गाइस उसको सेव कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट लॉक सेट कर सकते हैं। सो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिए। वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बोलिए।